सूप तो आपने बहुत बनाए होंगे, बहुत पिए होंगे, लेकिन सूप का एक प्रिंसिपल होता है बनाने का, वो आपको इस वीडियो में ही आज पता लगेगा। मैं शैबूपी स्वागत करता हूँ ऑनिज किचन के अंदर। सर्दियों का टाइम है, वेजिटेबल की कोई कमी नहीं है मार्केट में, सारी सीजनेबल वेजिटेबल मार्केट में मिल रही हैं। तो हमने जो भी वेजिटेबल हमारे पास अवेलेबल है हमने वो यहाँ पर लिया है। यहाँ पर हमने फाइन चॉप ऑनियन काटा है, बेबी कॉर्न यहाँ पर हमने लिया है। सूप में जो वेजिटेबल का कट होता है वो सूप स्पून से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सूप पीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे गाजर भी हमने सेम अदर वेजिटेबल्स की तरह काट ली है। फ्रेंच बीन्स का टेक्सचर सूप में बहुत ही लाजवाब आता है क्योंकि इसमें हल्का सा क्रंच रहता है। अगर आप सूप को एक कम्प्लीट मील की तरह ले रहे हैं तो उसके न्यूट्रिशन भी कम्प्लीट होने चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ब्रोकली वरदान है क्योंकि ये हाई ऑफ सोर्स प्रोटीन होता है जो कि आपको दालों से भी नहीं मिलने वाला। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज से भी ज़्यादा प्रोटीन ब्रोकली में होता है। और ये रही थोड़ी सी ग्रीन कैप्सिकम, और यहाँ पे हमने थोड़े से डंठल काटे हैं कोरिएंडर के। ग्रीन चिली डालनी है लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा स्पाइसी नहीं होनी चाहिए। और ये रहा थोड़ा सा गार्लिक, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, इसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। और ये रहा फाइन चॉप अदरक जो कि हमारे सर्दियों के सूप में तो बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। ये सारी वेजिटेबल्स को हमको अपने सूप में डालना है लेकिन इनके टेक्सचर को बिना बिगड़े। कैसे, चलिए बताते हैं। वेजिटेबल सूप बना रहे हैं और बिना वेजिटेबल स्टॉक के, तो ये कैसे हो सकता है? ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये टुकड़े हैं उन वेजिटेबल्स के जो हमने अपनी सब्जियों में यूज़ कर लिया है। और आमतौर पे आप ये चीज़ डस्टबिन में फेंक देते हैं, जैसे गोभी की डंठल, गाजर की डंठल, उसके आगे पीछे का। और ये जो वेजिटेबल है इसका ग्रीन पार्ट थोड़ा हटाना होगा क्योंकि वो हमारे स्टॉक को ख़राब कर देगा। तो सारी वेजिटेबल का हम स्टॉक बनाएंगे। वेजिटेबल सूप की जान होती है वेजिटेबल स्टॉक, तो वो हम चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 1.5 लीटर पानी लिया है जिसमें 4-5 काली मिर्च, 1-2 तेज़पत्ता और जो भी हमारी सब्जियों की वेस्टेज पार्ट होती है जो हम आमतौर पे डस्टबिन में फेंक देते हैं वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कोई भी लीफी पार्ट हमको इसमें नहीं डालना है वरना उससे जो हमारा स्टॉक है वो क्लाउडी हो जाएगा। स्टॉक को सबसे पहले एक उबाल आने दीजिए, उसके बाद में इसको बिल्कुल सिमर पर छोड़ दीजिए, बिल्कुल लो टेम्परेचर पर इस पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे तकरीबन 1.5 लीटर का तकरीबन 1 लीटर बन जाना चाहिए। और जो बीच बीच में झाग आता है उसको हमको निकालना होता है क्योंकि उससे उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद में ये हमको बेलीव्स निकालनी है इसमें से। बेलीव्स क्या, उसका कलर ख़राब कर देती है, इसलिए हमको बेलीव्स निकालनी है, इसका झाग रिमूव करना है, तो हमारा जो स्टॉक है बहुत ही क्लियर बनेगा। ये बन गया हमारा वेजिटेबल स्टॉक, बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है, चेक करके देखना आपको बहुत अच्छा अरोमा लगेगा। और ये देखिए कितना अच्छा वेजिटेबल स्टॉक तैयार हुआ है। ये हमारा वेजिटेबल का बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट तैयार हुआ है, बहुत अच्छा अरोमा इसके अंदर आया है। अब हम दूसरे पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल, उसमें थोड़ी सी गार्लिक, थोड़ी सी जिंजर, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली, थोड़ी सी कैप्सिकम और थोड़ा सा ऑनियन डाल के हल्का सा तकरीबन 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। जो हमारी हीट है ना वो हाई है, यहाँ पर हाई हीट पर रखना है। वेजिटेबल को यहाँ पर बिल्कुल नहीं गलाना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में जो हमारी हार्ड वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर गाजर हो गई, बीन्स है, बेबी कॉर्न है और ब्रोकली है, इनको भी हमने सौते किया है हाई हीट पे, बहुत ही हाई हीट पे। और थोड़ा सा टेक्सचर और हल्का सा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे बटर डाला है। आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और ये रहा थोड़ा सा कॉर्न। काली मिर्च हमेशा फ्रेशली क्रस्ट करके डालनी चाहिए, मतलब फ्रेशली कूट के ही डालनी चाहिए। मैंने पेपर मिलर यूज़ किया है, आप चाहें तो वैसे कूट के भी डाल सकते हैं लेकिन फ्रेशली डालनी चाहिए। और यहाँ रहा थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार हमने डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा स्टिक करेंगे लेकिन हमारी हीट यहाँ पे हाई है। और ये रहा हमारा जादू, मतलब कि हमारा वेजिटेबल स्टॉक। अब इसको एक उबाल देंगे और उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने का तरीका ये होता है कि उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, उसको डिज़ोल्व कर दीजिए और उसके बाद में अच्छी तरह से जब बॉयल आ जाए तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना होता है। सूप बनाते टाइम जब भी उसमें झाग आए उसको रिमूव कर दीजिए क्योंकि वो आपके जो सूप का कलर थोड़ा सा डिसकलर्ड कर सकता है। और यहाँ पे हमने डिज़ोल्व
जो हमारा कॉर्नफ्लावर है वो थोड़ा सर्वा करके डाल रहे हैं। हीट बहुत हाई है, उबलता हुआ सूप है, जितना गाढ़ा हमको सूप चाहिए उतना हम इसके अंदर मिलाते जा रहे हैं। हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है, उसके बाद हम इसका टेक्सचर देखते जा रहे हैं कि कैसा हमको टेक्सचर चाहिए। तो ये परफेक्ट गाढ़ा मेरे हिसाब से है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी ये लास्ट में डाल दी है चीनी और थोड़ा सा कोरिएंडर की डंठल। इस सूप की खास बात क्या है? इस सूप की खास बात ये है कि इसके अंदर बहुत अच्छा वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट है और सारी सब्जियाँ हरी की हरी हैं, कोई भी सब्जी ज़्यादा गली हुई नहीं है, उनका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लेमन जूस मैंने ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा वेजिटेबल सूप, बहुत ही अच्छा बना है। ट्राई कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में।